वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों आप लोग के सामने हाजिर है जो भी इंग्लिश का क्वेश्चन आया था, हमें जितना भी मिला फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट से, वो लेके हाजिर है आपके सामने जितना भी हमें मिला, और मैथ थर्ड शिफ्ट का। ओके, तो देख लीजिए कैसा पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं आपको इस अभी रात में अपलोड कर रहा हूँ। और दोस्तों बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि रात में हम लोग बहुत सारा वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक वो पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में देखते क्या क्या आया था। तो ये मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में बता दिया था, रेनिंग कैट्स एंड डॉग, दैट मींस रेन हेवली। ठीक है, रेन हेवली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस में आया था पीस ऑफ केक। आपको मैंने बताया था समथिंग इजली अचीव्ड, एक कुछ भी इजली अचीव कर, मतलब जो किया जाता है उसको बोलते हैं पीस ऑफ केक। जैसे आपके लिए कुछ कुछ चीज होता है ना कि ये बहुत आराम का चीज है, ये तो तुरंत हो जाएगा, ये मेरे लिए बहुत ही आराम है, तो वो क्या आपके लिए पीस ऑफ केक है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्लीज हिल। एक्लीज हिल का मतलब क्या होता है, एक वीक पॉइंट। हर आदमी का कोई ना कोई एक्लीज हिल होता है, दैट मीन्स एक वीक पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आया था, ये आपका थर्ड शिफ्ट का है, कॉक एंड बुल स्टोरी, दैट मीन्स एब्सर्ड स्टोरी, मतलब बेतुका जो होता है ना, खुद से बना बना के कुछ कहानी सुनाते रहता है। हर किसी का एक ना एक दोस्त ऐसा होता ही है जो कि एकदम उल्टा सीधा कुछ ना कुछ कहानी सुनाते ही रहता है। ठीक है, तो फैंसी फुल होता है जिसपे बिलीव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एब्सर्ड स्टोरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एट समवन एक्सपेंस, तो उसका मतलब होता है पेड फॉर बाई समवन, पेड फॉर बाई समवन, दैट मीन्स देखिए जैसे नीरव मोदी ने अभी कुछ पैसा लेके हमारा चला गया विदेश, तो वो क्या था, जो भी टैक्स पेयर था उन्हीं का तो पैसा था वो। ठीक ना, तो जो टैक्स पेयर था वो पेड किया था और लेके कौन गए, नीरव मोदी। ओके, तो इसी का मतलब होता है एट समवन एक्सपेंस, किसी और का द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स से कुछ कुछ आया था। ठीक है, तो ये हमारा शिफ्ट थ्री का है। पहला है असैसिनेशन, इसका मतलब होता है हत्या, मर्डर। ठीक ना, नेक्स्ट है आपका ग्रिगेरियस, होता है ना कि हर देखते हैं कोई कोई मोहल्ला में कोई कोई चाचा होते हैं जो बहुत ग्रिगेरियस होते हैं, जो बहुत ही सोशियबल होते हैं, जो बहुत ही बात करते हैं सबसे, क्या जी कैसे है, हालचाल कैसा है आपका, ठीक है। तो ओके, तो डेड पर्सन आर कॉल्ड ग्रिगेरियस। नेक्स्ट है आपका टू ऑर्डेन। ठीक ना, तो ये मैंने आपको शिफ्ट टू में, मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया है, ये शिफ्ट टू में आया हुआ है, इसका मतलब होता है टू गिव ऑर्डर। नेक्स्ट आपका इसका सिनोनिम्स में, मतलब एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में दिया हुआ था टू अनॉइंट। टू अनॉइंट का मतलब होता है तेल लगाना, किसी का चापलूसी करना। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आर्टिकुलेट, दैट मीन्स स्पष्ट, गार्डदार, दैट मीन्स क्लियर। ठीक ना, क्लियर बात करते हैं, दैट मीन्स हम आर्टिकुलेट बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका हीड, मतलब सावधान रहना, अटेंशन या अलर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें मैथ भी कवर करूंगा मैं भी। ओके, इसमें इंग्लिश और मैथ ही केवल। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्लाउंट, फ्लाउंट का मतलब होता है इठलाना, और जैसे बोलता है मैक्सिमम ये सब देखते हैं लड़की केस में होता है। ओके, और देसी अगर लैंग्वेज में बोला जाए दोस्तों, अगर ये हमारे से बिहार तरफ में बोला जाता है, देसी लैंग्वेज है कि छगड़ाना, क्यों इतना छगड़ा रहे हो, दैट मीन्स फ्लाउंट, इठलाना, छगड़ाना, दैट मीन्स। ओके, देन आपका पैथेटिक, दैन्य, वो दैन्य स्थिति है इनका, तो ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते जल्दी से। नेक्स्ट आपका कुछ स्पेलिंग चेक, कमिटी एंड लेबल्ड। कमिटी का देखिए सी ओ डबल एम, डबल एम रहता है, डबल ई रहता है और डबल टी रहता है, लीजिए कमिटी हो गया। ठीक है, लेबल्ड आपको मैंने बता चुका हूं, एल ई वी ई एल ई डी। ठीक है, डबल एल से कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक आया था मॉनिटरिंग पे था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैथ पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। देखिए मैथ का जो क्वेश्चन देखा जा रहा है बहुत ही इजी लेवल का, आपका बस बेसिक अगर क्लियर है दोस्तों, फॉर्मूला अगर आपका क्लियर है बेसिक, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन था ये शिफ्ट थ्री का है कि एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, हमको एक्यूरेट डाटा नहीं पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, एक्यूरेट डाटा क्या था, क्या कितना दिया गया था एरिया ऑफ सर्कल, हमको ये पता नहीं। चलिए हम लेट मान लेते हैं, जैसे 154 दिया हुआ है सपोज, तो आपको बोला गया था सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए।
तो भैया एरिया दिया हुआ, तो एरिया क्या होता है, आप अगर हमको आपको फॉर्मूला याद है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुत लोग सोचेंगे भाई इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे रहा है, ठीक है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, सीएचएसएल इजी ही क्वेश्चन देता है, फॉर्मूला बेस्ड। ओके, तो यहां से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154, ये कट जाएगा आपका 7 बार में, तो आर का वैल्यू 7 आ जाएगा। देन आपको सर्कमफेरेंस निकालना है, 2πr होता है, 2 × 22/7 × 7 कटा कितना 44 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आपको होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आपको दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, बस उसमें बोल दिया गया साइड भैया 8 है, फिर से अगेन क्या हो गया फॉर्मूला। तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा एरिया का इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो आपको तुरंत बना लिया, √3/4a² √3/4 × a² मतलब 8 × 8, दैट मींस कितना हो गया 16√3 cm² आंसर। ओके, होप आपको क्लियर हो गया। आप फॉर्मूला पे पूरा कॉन्सेप्ट लीजिए, मेंसुरेशन में जितना भी फॉर्मूला है या आपका एरिया से रिलेटेड है जितना भी, आप सब कर जाइए भाई, फॉर्मूला पे ही बेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आगे देखते कैसे टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। आगे क्वेश्चन था कि आपको साइड देखिए कितना इजी, ये मैं कोई घर से नहीं बनाऊ ऐसा क्वेश्चन दे रहा है। ओके, एक्यूरेट मुझे डाटा नहीं पता कि इसका क्या वैल्यू दिया था, मैं आपको बस क्वेश्चन बता दिया ऐसा ऐसा है, ठीक है। उसमें दिया कि साइड दिया हुआ था, सिंपल सिंपल साइड दिया था, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना था। भाई अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने आता, आपको फॉर्मूला पता हो तो आप जोड़ निकाल लेंगे, 6a² बस कर देते खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, ये यहां पे हो सकता है ये क्यूब दिया हो, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये क्यूब दिया हो सकता है, 6a² तुरंत आप निकाल दीजिएगा, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको देखिए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज इतना, सब फॉर्मूला पे दोस्तों एक भी विदाउट फॉर्मूला आप डायरेक्ट बना सकते हैं। भाई आपको यहाँ पे दिया कि एस आई दिया हुआ 340, आर आपको दिया हुआ 6% और टी दिया हुआ 8 मंथ, तो भैया इसको आप ईयर में कर दिए 8/12 खत्म। चलिए मतलब कितना हो गया 2/3। अब डायरेक्ट फॉर्मूला एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये 340 पी इंटू आर कितना हो गया 6, ये 2/3 × 100, भाई देखिए 2 बार में कट गया, और ये पूरा कट गया आपका, 4 से अगर काटेंगे तो 8 एंड देन 5, तो आपको पी कितना आ गया 8500, खत्म आंसर। ओके क्लियर है, आपको समझ में आ गया। चलिए तो सब फॉर्मूला पे है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको एक क्वेश्चन था कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, आपको निकालना था डिस्काउंट। ओके, और उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिया है कि ट्रायंगल PQR है विद राइट एंगल एट P, एक PQR ट्रायंगल है राइट एंगल P पे है। चलिए यहां पे मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं, ठीक है। बोला कि cosec Q, ये दिया हुआ cosec Q दिया हुआ आपको 1715, तो अब एक बात सोचिए, डायरेक्ट सोचिए कि cos का क्या होता है भाई, h/p, h यहां पे दिया 17 है, और इस Q के हिसाब से P कौन सा होगा, ये होगा, तो मतलब ये 15 है, ये 15 है, तो ये कितना हो गया, देखिए 225 में आप कितना करते हैं 64 ऐड करते हैं, तो आपका 17 आता है, मतलब ये 8 है, ठीक है। अब आपको सिंपल से बोला था सेकार, वो भी निकालने नहीं बोला था। सेकार का क्या होता है भैया, यहां से अगर आप देखिएगा तो h/b, तो 17/15 डायरेक्ट रिवर्स था, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आपको फोकस करना है कुछ कुछ सिंपल मैथ में, आपको फॉर्मूला बेस्ड पे फोकस करना है, ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अभी तक पूछने, अभी तक तो आपको प्रिज्म और पिरामिड से भी क्वेश्चन नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, और जीके में आप लोग क्या कीजिए कि जितना भी आपका अवार्ड हुआ है, जो भी देखिए अभी फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, ठीक है, उसके बाद मैन बुकर प्राइज आप याद रखिएगा 2017 का, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कि पद्मा सीरीज का, पद्मा आपका जितना भी पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। पद्म विभूषण आपको कितना लोग को मिला ये बताइएगा आप, ठीक है। पद्मा विभूषण कितना लोग को मिला ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही है, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि रात में वीडियो अपलोड होता है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप लोग कम से कम सुबह जाके तुरंत उसे देख सकते हैं, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।